हाँ जी गाइस, क्या हाल चाल। तो फोटो एडिटिंग वाली जो फोटोज होती है, जैसे मैं भी इंस्टाग्राम पे डालता रहता हूँ एंड आप लोग और किसी के भी देखते होंगे, तो आप लोगों के मन में आई थिंक आता ही होगा यार कॉन्सेप्ट्स बनाते कैसे हैं, फिर कॉन्सेप्ट्स कैसे सोचे, कैसे बनाएं। तो आज मैं आपको दो तरीके बताऊंगा। ये थंबनेल के लिए फोटो भी यहाँ से निकल सकते हैं ना, ऐसे करके कुछ। गाइस, आज मैं आपको दो तरीके बताऊंगा जिनको ज्यादातर मैं अपने फॉलो करता हूँ, ये दो तरीकों को फोटो एडिटिंग के कॉन्सेप्ट्स बनाने के लिए। तो ये सबसे पहला तरीका वो होता है मेरा थिंक अ टॉपिक। मैं टॉपिक सोच लेता हूँ, एग्जांपल से आपको बताता हूँ। जैसे अभी लॉकडाउन शुरू हो गया था ना, तो उस टाइम पे मेरे दिमाग में एक टॉपिक आया था कि अभी लॉकडाउन है तो हम कहाँ पर हैं, घर के अंदर। तो घर के अंदर यानी इनसाइड होम, इनसाइड हाउस, हम कुछ भी ऐसा वर्ड यूज कर सकते हैं। तो ऐसे वर्ड्स को, ऐसी चीजों को मैंने सर्च करके कुछ बैकग्राउंड्स को डाउनलोड किया था। तो घर के अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं, बस ये टॉपिक आ गया ना दिमाग में कि घर के अंदर। अब अपने आप आगे आगे आइडियाज आने शुरू हो जाते हैं। तो मेरे साथ तो ऐसे ही होता है ना, मुझे लगता है आपके साथ भी ऐसा होता होगा। मतलब अगर कोई टॉपिक सोचना फिर उसके आइडियाज अपने आप आगे 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 आते रहते हैं। तो जैसे घर के अंदर सोचा, तो घर के अंदर क्या कर सकते हैं, तो मैंने वैसे वाली बैकग्राउंड्स कुछ डाउनलोड कर ली, इनसाइड होम, इनसाइड हाउस, ऐसा कुछ लिख के। तो मैं आपको एग्जांपल के साथ दिखाता हूँ। जैसे मैंने ये वाली बैकग्राउंड को डाउनलोड किया था, एक बैकग्राउंड आपको और दिखाता हूँ। तो ये मुझे जब बैकग्राउंड मिली तो मैंने सोचा कि हम भी उसके ऊपर बैठ के मैं कुछ करूंगा, मतलब कुछ पोज किया मैंने सिंपल सा ऐसे करके। एंड जब मैं एडिटिंग कर रहा था ना, तब मेरे दिमाग में एक ऐसी चीज़ आई, मैं अलग अलग चीज़ें लगा के देख रहा था कि हमें क्या अच्छा लग रहा है, क्या अच्छा लग रहा है, जो एक्स्ट्रा इमेजेस हम लगाते हैं। तो मुझे कबूतर की फोटो मिली, तो मैंने वो लगाया, तो कबूतर का फेस ना उधर था और मेरा फेस इधर था। तो ऐसे एक दिमाग में कॉन्सेप्ट आ गया कि यहाँ भी लगता है कबूतर मेरे से नाराज है। तो मैं जस्ट कहना क्या चाहता हूँ कि आगे अपने आप आइडियाज आते रहते हैं। अगर हम छोटा सा एक टॉपिक सोच लें कि हाँ ये टॉपिक है, उसके अंदर हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं, बस अगर इतना सोच लेना कि क्या टॉपिक है, तो आइडियाज अपने आप मुझे आते रहते हैं। एंड अब दूसरा तरीका, तो मैं क्या करता हूँ, जो ये वेबसाइट्स होती है ना जहाँ से बैकग्राउंड्स डाउनलोड होती हैं, ज़्यादातर unsplash.com एंड पिक्सल्स एंड पिक्सअवे, तो ज़्यादातर मैं क्या करता हूँ, जो जैसे unsplash.com है, तो वो मैंने वेबसाइट खोल ली, ठीक है। एंड वहाँ पर ना कई बार मैं ऐसे स्क्रॉल करके चेक करता रहता हूँ कि क्या क्या नई बैकग्राउंड्स आई हैं, या कुछ भी ऐसे भर दिया घर के अंदर, तो नहीं हिंदी में नहीं होगा, इंग्लिश में होगा, इनसाइड होम, ऐसे कुछ भी भर दिया, तो ऐसे देखना शुरू हो गया मैं। तो वहाँ से जो जो मुझे बैकग्राउंड्स अच्छी लग रही हैं, वो मैं अलग अलग टैब्स में खोल लेता हूँ। जितनी भी मतलब बैकग्राउंड्स मुझे अच्छी लगी, वो मैंने डाउनलोड करके अपने पास रख ली। तो बाद में मैं सबको देखता हूँ यार इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, ये वाली बैकग्राउंड में मैं बैठूंगा, इसमें मैं खड़ा होकर कैसे पोज कर सकता हूँ। तो बस वो बैकग्राउंड को देख के ही कॉन्सेप्ट्स बन जाते हैं। तो गाइस, ये दो तरीके बहुत ही बढ़िया तरीके हैं, इनको आप ही अप्लाई करके अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स बना सकते हैं, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स फोटो एडिटिंग के आप ही सोच सकते हैं, बना सकते हैं, बढ़िया बढ़िया एडिटिंग कर सकते हैं। बाकी मैं चाहता हूँ आप लोग इन मेथड्स को ट्राई करें। एंड आपको ये वीडियो कैसे लगे आप नीचे कॉमेंट्स में बता सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो में से कुछ अच्छा नया देखने को सीखने को मिला, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। एंड ऐसी और अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। बाकी मिलते हैं हम अगली वीडियो में।